हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो अगेन वी विल डू द सिम्प्लीफिकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट्स यूजिंग बोलियन अलजबरा सो प्रीवियस वीडियो में हमने सिक्स एग्जांपल्स कर लिए सो नेक्स्ट सेवन्थ एग्जांपल है हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू वन प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लो और ये जो सारी टर्म्स हैं इन्हें इनकी ब्रैकेट ओपन करो तो आपके पास क्या आएगा जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे यहाँ पे बी सी बार डॉट ए बी बार प्लस बी सी बार डॉट सी डी बार प्लस ए बार डी डॉट ए बी बार ए बार डी डॉट ए बी बार प्लस ए बार डी डॉट विद सी डी बार देन सारी टर्म्स को रीअरेंज कर लिया यहाँ में यहाँ पे बी बी बार को एक साथ लिख लो सी सी बार को एक साथ लिख लो ए बार ए को एक साथ लिख लो और डी डी बार को एक साथ लिख लो वी नो दैट हमने लॉज किए हैं कि ये जो ए डॉट ए बार है दैट इज इक्वल टू जीरो इट मीन्स बी डॉट बी बार भी ज़ीरो आएगा सी डॉट सी बार भी ज़ीरो आएगा ए डॉट ए बार भी ज़ीरो आएगा और डी डॉट डी बार भी ज़ीरो आएगा विच विल मेक ऑल ऑफ दीज टर्म्स इज इक्वल टू जीरो एंड वी नो दैट जीरो का कॉम्प्लीमेंट बोलियन अल्जबरा में क्या होता है इट इज़ वन सो इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूफ्ड सो इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टू प्रूव दिस साइड इट इज़ इक्वल टू वन सो इसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ तो आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम यूज करो डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम डी मार्गन सेकंड थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो ए डॉट सी होल बार है इट इज़ इक्वल टू ए बार प्लस सी बार प्लस और यहाँ पे आप ओपन करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो ए बी बार सी डॉट ए बी प्लस ए बी बार डॉट सी डॉट सी आ जाएगा इट इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो ए डॉट ए आपके पास आ जाएगा ए और बी डॉट बी बार इट इज इक्वल टू जीरो विच विल मेक दिस टर्म इक्वल्स टू जीरो एंड सी डॉट सी जो है वी नो दैट इट इज इक्वल टू सी सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए बी बार सी और नाउ फ्रॉम दिस टर्म एंड दिस टर्म टेक ए कॉमन आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा एक तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया ए डॉट इज़ कॉमन ब्रैकेट में आपके पास रह जाएगा बी प्लस बी बार सी प्लस ए बार प्लस सी बार एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन एग्जाम्पल नंबर वन जो हमने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन की एग्जाम्पल की है उसमें हमने किया दैट ए प्लस ए बार बी इट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी यहाँ पे आपके पास क्या है b प्लस बी बार c तो आपके पास किसके इक्वल आएगा ये b प्लस सी के तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप लिख दो b प्लस सी डॉट ए प्लस ए बार प्लस सी बार अगेन ब्रैकेट को करो ओपन तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के यहाँ पे आ जाएगा a डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस ए बार प्लस सी बार अगेन इस टर्म पे ये लॉ लगाओ यहाँ पे आपके पास क्या है ए और बी की जगह पे आपके पास है ए बार प्लस यहाँ पे आपके पास है ए डॉट यहाँ पे आपके पास है सी और इस ए का मीनिंग यहाँ पे आपके पास ए को आप ए कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट लिख सकते हो तो यहाँ पे अगर आप ये वाला लॉ लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा दिस इज ए बार प्लस सी सो इट इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए बार प्लस सी

और हमने क्या करना है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा उससे लॉजिक सर्कट को ड्रॉ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से देखो फर्स्ट टर्म में भी ए बार है सेकंड में भी ए बार है इन दोनों में ए बार नहीं है बी बार जो है फर्स्ट टर्म में है इसमें नहीं है इसमें है इसमें इस नहीं है और जो सी बार है वो सारी फोर की फोर टर्म्स में है सी बार तो आप क्या करोगे सी बार को ले लोगे कॉमन और ब्रैकेट में आपके पास क्या आएगा ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी और फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म्स एज यू कैन सी ए बार इज़ कॉमन या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की आपके पास राइट हैंड साइड है और यहाँ पे जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी और यहाँ पे भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की राइट हैंड साइड है अगर आप ए डॉट को कॉमन करोगे तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी सो वी हैव वाई इज इक्वल टू सी बार ए बार डॉट यहाँ पे रह जाएगा आपके पास बी बार प्लस बी और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी बार प्लस बी हमने क्या किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया दोनों टर्म्स पे and we know that a plus a bar is 1 so b plus b bar b kya hoga 1 this is also equals to 1 and this is also equals to 1 so we have y is equal to c bar a bar dot 1 plus a dot 1 and we know that a dot 1 is a and a bar dot 1 is a bar so we have a bar plus a and a plus a bar it is equal to 1 सो वी हैव वाई इट इज इक्वल टू सी बार सो दिस इज द सिम्प्लीफाइड लॉजिक एक्सप्रेशन अब आप इससे सिम्प्लीफाइड लॉजिक सर्कट कैसे ड्रॉ करोगे आपके पास एक इनपुट है सी कंप्लीमेंट कैसे आएगा उसका अगर आप नॉट गेट लगाओगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा सी बार विच इज योअर आउटपुट वाई सो ये है आपका सिंप्लीफाइड लॉजिक सर्कट तो यहाँ पे अगेन हमने इस बुलियन एक्सप्रेशन को लॉजिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके उसका सिंप्लीफाइड लॉजिक सर्कट जो है वो ड्रॉ करना है सेम एज़ दैट ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल सो अगेन ये एक्सप्रेशन लो और इसको सिंप्लीफाई करो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ एंड वी विल गेट ए डॉट बी प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओगे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी अगेन बोलियन अल्जबरा के लॉज लगाओ ए प्लस ए इट इज ऑलवेज इक्वल टू ए सो यहां पे ए की प्लेस पे हमारे पास है ए डॉट बी सो ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी इट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी सिंगल टाइम प्लस ए डॉट सी प्लस वी नो दैट ए डॉट ए इज ए सो बी डॉट बी जो है ये होगा बी प्लस बी डॉट सी और यहां पे इस बी को आप फर्दर लिख सकते हो बी डॉट वन बिकॉज ए डॉट वन इज ए सो बी इट विल बी इक्वल टू बी डॉट वन और इन दोनों टर्म्स पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की ये आपके पास राइट हैंड साइड है यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी इट विल बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट कॉमन अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के वन प्लस सी एंड ए प्लस वन इज ऑलवेज इक्वल टू वन एनी थिंग प्लस वन इट इज ऑलवेज इक्वल टू वन इन बोलिए नलजबरा सो सी प्लस वन क्या आएगा वन देन बी डॉट वन आपके पास क्या आएगा बी अगेन दिस टर्म और दिस टर्म इस बी को आप लिख सकते हो बी डॉट वन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ आपके पास ये राइट हैंड साइड है इससे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी बिकॉज आप इस ए डॉट बी को आप लिख सकते हो बी डॉट ए अब इन दोनों टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो तो आपके पास आ जाएगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट इज कॉमन ब्रैकेट में है ए प्लस वन a plus वन इट इज इक्वल टू 1 एंड b dot वन इट विल बी इक्वल टू b सो so, simplified एक्सप्रेशन जो है हमारे पास इट इज b plus a dot c इसको आप फर्दर simplify नहीं कर सकते अब इस simplified एक्सप्रेशन से आप लॉजिक circuit draw करोगे कैसे ड्रॉ करोगे हमारे पास इस सिंपलीफाइड लॉजिक एक्सप्रेशन में तीन इनपुट्स हैं और ये जो दो इनपुट्स हैं a और c सी और सी का डॉट का मीनिंग क्या है कि ये एक एंड गेट है और उस एंड गेट की दो इनपुट्स हैं ए एंड सी ए एंड सी दीज आर द इनपुट्स टू एंड गेट और इस एंड गेट की जो आउटपुट आएगी दैट विल बी ए डॉट सी और इस ए डॉट सी का जो तीसरी इनपुट है बी उसके साथ क्या है प्लस का मीनिंग और गेट ए डॉट सी और बी का ये दोनों इनपुट्स हैं और गेट की ये एंड एंड लॉजिक गेट और ये है आपके पास और लॉजिक गेट और इसकी फाइनल आउटपुट आपके पास आएगी y, विच विल बी p प्लस ए डॉट सी सो ये है आपका सिंप्लीफाइड लॉजिक सर्किट।